आज मदर्स डे है और इस मदर्स डे को भले किसी भी देश ने मनाने का संकल्प लिया हो, लेकिन यह इतना आवश्यक दिन है कि हर माँ अपने बच्चों के साथ, हर बच्चा अपनी माँ के साथ आपसी स्नेह, संबंध, संस्कार का आदान प्रदान करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसी भावना को लेकर आज हमने ग्रामीण महिला विद्यापीठ परिसर में अनुराग इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के साथ यह दिवस मनाया। उन बच्चों को अपनी माँ की प्रतिमा, माँ की फोटो लेकर माँ के सामने उसकी माँ की आराधना कर, माँ के चरण स्पर्श कर, माँ को माला पहनाई, मिठाई खिलाई और साथ में उसको फोटो, उन माँ का फोटो उनको भेंट किया। और इस भावना में जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो वाकई में ये लगा कि माँ का महत्व कितना है। माँ जननी ही नहीं, माँ शिक्षक भी है, माँ उसकी गुरु भी है और माँ ही बच्चे को आगे बढ़ाने में मददगार होती है। ये भावना हमने उन सब माताओं के साथ भी समझा इसकी और माताओं से भी हमने ये संवाद किया कि वो अपने बच्चों की परवरिश संस्कारित और ममत्व के रूप में इसके साथ साथ करें और साथ ही ऐसा माहौल बना कि उस माहौल में कुछ विशेष माताओं की भी याद मैं करना चाहूँगी, जिन माताओं ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को जन्म देकर राष्ट्र हित के लिए समर्पित किया। जीजाबाई का नाम पहला लिया जाता है जिन्होंने शिवाजी को राष्ट्र हित के लिए समर्पित किया। साथ ही मैं आज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को भी मैं याद करना चाहूँगी, उन्हें प्रणाम करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बेटे को इस तरह से सुसंस्कृत किया, इस तरह से परवरिश किया कि वो राष्ट्र हित में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ भी मैं ये कहूँगी साहित्यिक क्षेत्र में भी मुनव्वर भाई राणा को, जो उनकी माँ ने तैयार किया आयशा खातून जिनका नाम था, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य भाई मोहन जी भागवत को भी, उनकी माता श्री को भी याद करना चाहूँगी कि जिन्होंने अपने बेटे को संपूर्ण समर्पण देश राष्ट्र हित के दे दिया। मैं यहाँ तक कहूँ कि कला और संस्कृति में भी अमिताभ बच्चन जी की माँ बहन तेजी जी को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी कि जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करते हुए भी अपने बेटे को संस्कारित और राष्ट्र हित में आगे बढ़ने के लिए और मानवता के हित में आगे बढ़ने के लिए बढ़ाया। इसके साथ साथ मैं यही कहूँगी कि आज हर माँ अपने दिल में गुरु का पद धारण करें, हर माँ अपने दिल में बच्चे की प्रथम शिक्षक बने, ममत्व की भावना लेकर अपने बच्चे को परवरिश करें। और साथ ही मैं उन सब माताओं को भी प्रणाम करना चाहूँगी जिन माताओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपने संतान को संस्कारित किया।